ईगल जिसे आसमान का राजा कहा जाता है क्योंकि यह आसमान में लगभग 10,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भरता है। लेकिन दोस्तों इसे राजा बनाता है इसके उड़ान भरने के तरीके, जिससे यह हवा के बहाव का इस्तेमाल कर लंबे समय तक अपने पंखों को बिना फड़फड़ाए ही उड़ान भरता है। इस प्रक्रिया के दौरान यह काफी एनर्जी को बचाता है और एक दिन में यह लगभग 200 से 300 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वैसे दोस्तों आज पृथ्वी पर ईगल की लगभग 82 प्रजातियां निवास करती है, जिसमें से 68 प्रजातियां एशिया, अफ्रीका और यूरोप महादेश में पाए जाते हैं। वहीं 14 प्रजातियां अमेरिका महादेश में पाई जाती है और यह अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर वजन में महज 400 से 500 ग्राम के होने वाले दुनिया के सबसे छोटे पिग्मी ईगल से लेकर वजन में लगभग 4 से 8 केजी के होने वाले दुनिया के सबसे विशालकाय जायंट फिलिपिन ईगल से लेकर हार्पी ईगल जितने बड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ईगल को खास बनाते हैं इसके मजबूत पंजे और कमाल के आईसाइट, जो कि इंसानों की तुलना में लगभग 8 गुना ज्यादा तेज होते हैं। यह ऊंचाई पर रहना पसंद करता है, जिससे यह दूर दराज के इलाकों पर निगरानी कर सके। दोस्तों आपने ईगल के बारे में कई रोचक तथ्यों को सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ईगल के जीवन चक्र की प्रक्रिया की शुरुआत इन दोनों के मेटिंग कॉल्स की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है, जिसके बाद नर और मादा मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मिलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मादा अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 1 से 3 अंडे देती है। दोस्तों आपको बता दें कि ज्यादातर ईगल की प्रजातियों में नर और मादा अपने पूरे जीवन काल में बस एक ही जोड़े के साथ रहते हैं। यह इन दोनों के प्रेम को दर्शाता है। यह साथ में ही घोंसले का निर्माण करते हैं जहां मादा अंडे दे सके। दोस्तों ईगल अपना घोंसला हमेशा ऊंचाई पर ही बनाते हैं, जिसके कई कारण हैं। एक तो ऊंचाई पर रहने से इसे दूसरे जीवों से सुरक्षा मिलती है, वहीं दूसरी तरफ यह अपने घोंसले से ही दूर दराज के इलाकों पर नजर रख सकता है और अपने शिकारियों को भी तलाश सकता है। दोस्तों घोंसले के निर्माण और मादा द्वारा अंडे देने के बाद नर और मादा दोनों मिलकर अंडों को सेने का काम करते हैं और लगभग 30 से 35 दिनों तक अंडों को सेने के बाद इन अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर निकलते हैं और अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहां एक बात आपको बता दें कि इनके विभिन्न अंडों से निकलने वाले बच्चों के बीच कुछ दिनों का अंतराल हो सकता है, क्योंकि मादा ईगल के द्वारा यह अंडे कुछ दिनों के अंतराल पर दिए जाते हैं। अंडों से निकले इन बच्चों के शरीर पर हल्का हल्का फिदर मौजूद होता है, वहीं शरीर चिपचिपा होता है, आंखें बंद और यह अपने पैर पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों अंडों से निकलने के कुछ घंटों के भीतर ही इन बच्चों के आँख खुल जाते हैं और यह अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। लेकिन अभी भी यह भोजन और गर्मी प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं और यह अपने माता पिता के द्वारा लाए गए भोजन को कर अपने विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल फूड चेन में सबसे टॉप पर आते हैं, यानी कि मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल, फिश से लेकर कई तरह के जीवों को अपने आहार के रूप में शामिल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ शायद ही कोई ऐसा जीव है जो कि ईगल का शिकार करता है, इसलिए इसे अपेक्स प्रेडिटर कहा जाता है। जहां यह तो दूसरे जीवों का शिकार कर भोजन प्राप्त करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसका शिकार करने वाला कोई भी दूसरा नेचुरल प्रेडिटर या एनिमी नहीं है। दोस्तों अब हम ईगल के जीवन चक्र की प्रक्रिया पर वापस आते हैं। विकास के इस प्रक्रिया में अंडों से निकलने के बाद लगभग 24 दिनों में इसके शरीर पर इसका पहला फिदर दिखाई देने लगता है। यह गहरे रंग का होता है और अभी पूरी तरह से शेप में नहीं होता। दोस्तों इन बच्चों को पूरी तरह एडल्ट होने में लगभग 3 से 5 महीनों का समय लग जाता है, जिसके बाद यह बच्चे पूरी तरह एडल्ट हो जाते हैं। इसके पैरों की पकड़ अब मजबूत हो जाती है और यह अपने कमाल के आईसाइट से अब आसपास के इलाकों पर नजर रखता है, लेकिन अभी भी यह अपने भोजन के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वयस्क होने के दौरान ईगल के अंडों से पहले जन्म लिए बच्चे बाद में जन्म लेने वाले बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं, उसे घोंसले से नीचे गिरा देते हैं, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यह बच्चे अपने ही सिबलिंग्स को मारने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि इनके माता पिता का सारा ध्यान बस इन्हीं पर हो, इसे भोजन की कोई कमी न हो और इनका विकास अच्छे से हो। और विकास के इस प्रक्रिया के दौरान बचे हुए बच्चे लगभग 4 से 6 महीनों में पूरी तरह उड़ान भरना सीख जाते हैं। यह अपना शिकार अब खुद करते हैं और अपने लिए नए घोंसले का चुनाव करते हैं। लेकिन ईगल के इन बच्चों को पूरी तरह अपने एडल्ट फीदर जैसे कि बार्ड ईगल के व्हाइट हेड और व्हाइट पूंछ जैसे कलर को प्राप्त करने में 4 से 5 साल का समय लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ईगल बूढ़ा होता है तब इनके पास मात्र 2 रास्ते होते हैं, या तो यह मर जाए या फिर एक कम्प्लीट पेनफुल मोल्टिंग के प्रोसेस से होकर गुजरे। लेकिन यहाँ एक सवाल यह उठता है, आखिर वह ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ईगल के बढ़ते हुए उम्र के साथ इसके चोंच और पंजे आगे की तरफ घूम जाते हैं, जिससे इसे शिकार करने में दिक्कत होती है। वहीं इसके पंख भी इतने घने हो जाते हैं जिस कारण से यह ठीक से उड़ान नहीं भर पाते, और यही कारण है कि ईगल के पास बस 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो यह भूख और अपने शरीर की कमियों के कारण मर जाए, या फिर यह अपने शरीर को फिर से एक बार तैयार करे, जिसके लिए ईगल सबसे पहले अपने चोंच को
को पत्थर से घिसकर निकाल देते हैं। इस पेनफुल प्रोसेस के बाद यह बिना खाए पिए अपने चोंच के पुनः आने का इंतजार करते हैं, और जब यह पुनः आ जाते हैं तब यह अपने नए बीक से अपने नाखून और पंजों को भी हटा देते हैं। और लगभग 150 दिन के लंबे प्रोसेस के बाद यह फिर से आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल के बीक और पंजों में केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है। यह वही प्रोटीन है जो कि हम इंसानों के नाखून और बाल में पाए जाते हैं, इसीलिए यह वक्त के साथ बढ़ते हैं और ईगल के पुनर्जन्म में मदद करते हैं। दोस्तों ईगल अपने इस पुनर्जन्म के बाद अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 10 से 30 सालों तक अधिक जीते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।